इंसान शरीर से नहीं मानसिक रूप से कमजोर है। हेलो नमस्ते मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रिया मिश्रा व्लॉग में। और आज जो है मैं एक अपना एक मोटिवेशनल स्पीच जो है वो देने जा रही हूँ अपने ब्लॉग के इस वीडियो के माध्यम से। और आई होप कि मेरे सारे जो भी लेडीज़ मेरे इस वीडियो को देख रही हैं एक बार अपने मतलब अच्छे से अगर मेरा ये वीडियो सुनेंगी तो काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। और अगर आप सभी को मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो जो है अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करना। और भी मैं अपने अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो लेके आऊँगी अपने इस चैनल के माध्यम से। और बहुत कुछ आज की स्पीच में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कि हम लोग अपने घर पे भी रह करके उसके बारे में मैं और मेरे और भी वीडियोस आएंगे। अगर आप सभी को पसंद आते हैं तो मेरे और भी वीडियोस आएंगे, पर प्लीज़ एक बार वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनना क्योंकि लास्ट तक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है जो कि मैं आप सभी तक अपने मैं हर किसी से मिल तो नहीं सकती पर हाँ अपने इस वीडियो के माध्यम से जो है काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ करें। जिनकी सोच जो है वो रुक चुकी है उनको अपने बारे में सोचने का मौका मिले कि मतलब मैं क्या हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है। तो उसके लिए मैंने ये अपना एक वीडियो बनाया है। सो आई होप आप सभी ज़रूर मेरे इस वीडियो का सपोर्ट करेंगे और मुझे भी डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी के मोटिवेशन के बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ। और आज जो भी मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ वो आप सभी के मोटिवेशन की ही वजह से मैं भी पहुँची हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या पूरा मेरे सब्सक्राइबर्स और आप सभी पब्लिक का ही सपोर्ट रहा है जिससे कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। और भी मैं अपने साथ साथ मैं कुछ ऐसा भी काम करना चाहती हूँ कि जिससे कि मतलब मेरी बात जो है छोटे से छोटे घर की हर एक महिला तक पहुँचनी चाहिए। मैं एक ऐसे सिस्टम में जुड़ के काम कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है और उसके भी वीडियोस मेरे चैनल पे आएंगे। तो मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से कुछ मोटिवेट करना चाहती हूँ। सो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी स्पीच कि इस मोटिवेशनल स्पीच का मकसद महिलाओं में नारी शक्ति को जगाना है और ये बताना है कि वो जीवन का हर मुकाम हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा आज की ये मोटिवेशनल स्पीच उस इंसान के लिए बहुत बड़ी एक्सप्रेशन बनने वाली है जो लोग अपनी किसी शारीरिक समस्या को लेकर रोते रहते हैं और किस्मत को कोसते हुए ये बोलते हैं कि मेरा एक हाथ नहीं है, मैं अंधा हूँ, मेरे पैर नहीं हैं, मैं अपंग हूँ, हमारे पास धन नहीं था, एजुकेशन नहीं था, साधन नहीं था, इस वजह से हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। इंसान की मेहनत और उसका हुनर किसी साधन का मोहताज नहीं होता। भर के देख जुनून कामयाबी का अपने सीने में, सफलता से बड़ा कोई दुनिया में ताज नहीं होता। पंखों से जब भरता है परिंदा अपनी उड़ान, खुद पर ये उसका सबसे बड़ा विश्वास होता है। असफलता से सीखने का मौका मिलेगा, बोलता है तजुर्बा की सीखा हुआ कुछ भी कभी बेकार नहीं होता। और आज की स्पीच इसी थॉट के साथ में मैं आज की इस स्पीच की शुरुआत करती हूँ कि एक एक्सप्रेशनल स्टोरी के साथ में, जो जिसको कि आप सभी भी जानते होंगे। मैं भी अभी नहीं पर हाँ 7-8 साल पहले मैंने टीवी पे ज़रूर देखा था, तब शायद मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मैंने देखा था इनकी स्टोरी। है टीवी में किसी शो में आई थी ये मैम अरुणिमा सिन्हा, जिनके कि दोनों पैर नहीं हैं। अभी YouTube पे सर्च करके देखेंगे या Google पे सर्च करके देखेंगे तो इनकी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई इनकी स्टोरी, तो मैं उन्हीं की स्टोरी के माध्यम से आप सभी को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अरुणिमा सिन्हा जी के जीवन के संघर्ष भरी स्टोरी। अरुणिमा सिन्हा जिसका एक ऐसा नाम जिसने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पागलपन की सारी सीमाएँ लांघ दी। अरुणिमा सिन्हा जब 23 वर्ष की थी तब इनकी ज़िंदगी में दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसमें हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए।
पद्मावती हॉस्पिटल सॉरी पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। वहीं उस ट्रेन में एक शातिर बदमाश सॉरी कुछ शातिर बदमाश चढ़े जिन्होंने अरुणिमा के गले से सोने की चैन खींचने की कोशिश की। इस छीना झपटी के बीच अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस हादसे के दौरान अरुणिमा अपने दोनों पैर गंवा बैठी। अधमरी हालत में 12 घंटे अरुणिमा पटरियों पर पड़ी रही। कई ट्रेन उसके दाएं पैर के ऊपर से गुजर गईं। ये तो सिचुएशन थी कि जिसमें आम इंसान तो जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है। ये ऐसी सिचुएशन थी जहां पे आम इंसान तो जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है, लेकिन इस लड़की ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मानसिक तौर पर बहुत मजबूत थी वो लड़की, बहुत ही मजबूत थी। 2 महीने हॉस्पिटल में पड़ी रही, ऑपरेशन हुआ, 2 नकली पैर उसके लगा दिए गए। लेकिन इस बीच आगे की जिंदगी में क्या करना है मुझे, क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी ना सोचते हुए अरुणिमा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो था एक लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के बारे में एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। वो लक्ष्य था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करने की। ये लक्ष्य जिद और जुनून में बदल चुका था। इस हादसे के बावजूद भी इस लड़की का जिद और हौसला देखिए कि सिर्फ एवरेस्ट को फतेह करना नहीं सोचा, बल्कि उसे सच में बदलने के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। अब ये पागलपन नहीं तो और क्या है। इसी जिद और पागलपन के चलते एक दिन अरुणिमा माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करने का तिरंगा लहराते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवाती है। और करोड़ों महिलाओं और किसी अपंग के लिए एक एक्सप्रेशन बन जाती है कि इंसान शरीर से नहीं मानसिक रूप से कमजोर है। अगर मन में खुद पर विश्वास है इंसान को, तो अगर इंसान जिद ठान लेता है किसी चीज को करने की, हर लक्ष्य को हासिल करने की, तो इंसान हर लक्ष्य को पा सकता है। तो अगर किसी को भी अपने खुद पर विश्वास है ना, तो जिद जो होती है, जिद छान लिए, जिद को अपना लक्ष्य इंसान बना लेता है और उस लक्ष्य से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। यही सोच हमें रखनी चाहिए कि हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और अपने किसी भी लक्ष्य को, अगर हमें अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए इंसान में कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को इम्प्रूव करना है इंसान को। दूसरे को तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, हर तरीके से मजबूत बनाना है कि किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन आए पर हमें हार नहीं माननी है, तो नहीं माननी है। बस अगर ये सोच हो जाएगी तो जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं वो भी आगे चल के सक्सेस हो सकती हैं। तो आप सभी को मेरी ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने चैनल पे, अपने ब्लॉग चैनल पे इस तरीके का वीडियो शेयर करूं, तो आज मैंने बहुत हिम्मत करके इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ पढ़ के स्टोरी जो है आप सभी के साथ शेयर करी है। अगर आपने दिल से पढ़ी होगी स्टोरी तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि मेरे कहने का क्या मीन है। और हर औरत को मजबूत होना चाहिए, और अगर किसी भी महिला को इस मेरी इस स्टोरी से उसको अच्छा लगता है, किसी का कोई भी भला होता है, किसी का कोई भी मोटिवेट होता है, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और भी मैं अपने वर्क के बारे में भी बताऊंगी आप सभी से कि मैं क्या करती हूँ, कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्ते और बाय।